नंबर एक, पत्नी पति से कोई सवाल नहीं करेगी। करेक्ट। और हम सवाल करते हैं तो अजीब जवाब देती है। मैंने पूछा कहां जा रही हो तो बोलती है अभी आ रही हूं, जवाब नहीं दिया। मुद्दा नंबर दो, कोई भी पत्नी अपने पति को बार बार फोन करके ये नहीं पूछेगी कि तुम कहां हो और कब आओगे। ये बहुत बराबर पॉइंट है। अरे मेहता साहब, अभी मैं तो दुकान पे रहता हूँ तो भी उसको मालूम है, फिर भी फोन करके पूछती है कि कहाँ हो। अरे कहाँ हो क्या, दुकान पे है। और बार बार पूछेगी कब आओगे। अरे भाई मेरा रोज का फिक्स है, दुकान बंद करके घर आता हूँ तो भी पूछती है कब आओगे। मुद्दा नंबर तीन, कोई भी पत्नी अपने मायके वालों से फोन पर 3 मिनट से ज्यादा बातें नहीं करेंगी। ये बात तो बिल्कुल सही है। कोमल अपने मायके जब एसटीडी कॉल करती है तो बात किए जाती है, फिर इतना लंबा एसटीडी बिल आता है। बोलो। नहीं नहीं डॉक्टर आदि, ये तो आप भाभी जी पे गलत इल्जाम लगा रहे हो। मेरे हिसाब से तो फोन का बिल आपकी वजह से ज्यादा होता होगा। आप इतना धीरे धीरे बात करते हो तो फोन बढ़ जाता है। मुद्दा नंबर चार, खाने में जो बोला जाए पत्नी वही बनाएगी। ये तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास पॉइंट आपने डाला है गोबाचारी जी। मुद्दा नंबर पांच, तुमसे भी अच्छे रिश्ते आए थे ऐसा कभी नहीं कहेगी। ये तो बेचारे अय्यर को रोज सुनना पड़ता होगा। विवाह के 7 फेरों की तरह ये हमारी 7 मांगे हैं और इसे सभी पत्नियों को माननी पड़ेगी। अरे वाह, अगर ये सारी मांगे हमारी पत्नियां मान ले तो हमारी जिंदगी तो स्वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो हम लोग भी आपको स्वर्गवासी बनाने के लिए तैयार हैं। ये सब हमारी पत्नियां हैं, सबकी एक एक। तो फिर बोलो पत्नियां। हाय हाय, बोलो भाई पत्नियां। हाय हाय हाय। जेठा जी, सुबह सुबह यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ऐसे टाइम पास। जेठा भाई, ये इन पत्नियों के अत्याचार के खिलाफ हमारा आंदोलन है। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। कभी तो रोटली की जगह पे पूरी करो। जेठालाल, हमारी मांगे पूरी करो। क्या मिल मजदूर की तरह नारे लगा रहे हो, हमारी मांगे पूरी करो? अरे हम घर में मजदूरी तो बंद कर रह गए। अरे मैंने आपको क्या दुख दिया है जो ऐसी बातें कर रहे हो? हाँ, एंड व्हाट्स ऑल दिस बकवास, ये क्या लिखा है? ये बकवास नहीं है, ये पतियों की आजादी की मांगे हैं। आज तक औरतों ने बेवकूफ बनाकर पतियों पे राज किया है। ये झूठ है, हम औरतें मन की साफ होती है। बबीता जी, आपको छोड़ के बाकी सारी औरतों की बात कर रहे हैं। हमको भी आपसे शिकायत है पर हम इस तरह डिमांड नहीं करते। और एक बात समझने की कोशिश करो, हर पति पत्नी के बीच में मतभेद होते हैं पर उन दोनों के दरमियान ये तीसरा आदमी क्या कर रहा है? ये सारी बातें घर में समझदारी के साथ हो सकती है ना? भाइयों, इनके दलीलों पे मत जाना। ए, तू गप्पा बस कर ला ना। देखिए, आप लोगों को कोई शिकायतें हो तो हमें बताइए, हम लोग दूर करेंगे। तो पहले आप ये हमें लिख कर दीजिए। अरे जा रे जा, हम लोग ऐसा कुछ लिख के देंगे ही नहीं। हाँ, जस्ट प्रे कि तुम हमारे हाथ नहीं लगो। ए छोटली, तेरे सास ससुर तेरे घर पर आकर रहे, तुम घर जमाई बन जाओ, तुम्हारे दो दांत बीच के गिर जाए। कोई बात नहीं दया भाभी, हम भी देखते कि ये क्या करते हैं। ओए गोबाचारी प्रा, अब हम क्या करें? भाई हम असहयोग आंदोलन करेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती कोई अपनी पत्नियों से बात नहीं करेगा। दूसरे की पत्नी से बात तो कर सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं,
अरे ठीक है, तो अब हम भी आपसे बात नहीं करेंगे, करो जो करना है और देखते हैं आपका यह आंदोलन कितना चलता है। एग्जैक्टली पत्तियां हाय हाय, पत्तियां हाय हाय, पत्तियां।